देखिए कांग्रेस का एजेंडा के खिलाफ थी, कांग्रेस कल भी सावरकर के खिलाफ थी, द्वि राष्ट्र का सिद्धांत लाने वालों के खिलाफ कांग्रेस कल भी थी, आज भी थी। हम इस देश का बंटवारा नहीं चाहते थे और जो इस देश को दो टुकड़ों में बांटना चाहते थे, चाहे वो जिन्ना हो चाहे वो सावरकर हो, कांग्रेस यानी कि महात्मा गांधी जी यानी कि पंडित जवाहरलाल हमेशा इसके खिलाफ थे। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना आजाद की तकरीर उठा के देखिए उन्होंने जिन्ना के खिलाफ किस तरह शानदार ओजस्वी भाषण दिया था। आज जो लोग अगर उसका जिक्र कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें राजनीति का किस वाले में। देखिए अमित शाह जी ने क्या कहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि उनकी ही पार्टी के साथ जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार जी का, उन्होंने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया था बहुत झूठा पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म बहुत झूठा पार्टी, वो फुल फॉर्म ज्यादा महत्वपूर्ण। प्रियंका जी अगर बीमार हो गई इस वजह से वो नहीं आ सके, उन्होंने संदेश दिया है और बहुत जल्द यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक रैली होगी, प्रियंका जी बहुत जल्दी आएंगी, उनकी ससुराल है, उन्हें तो आना ही उनका घर है। कांग्रेस तैयार है पूरी तरह से, कांग्रेस बहुत उत्साह के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। आज सिर्फ मुरादाबाद का मामला नहीं था, आज 12 जिले के लोग थे, मैं उन सबसे उनका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ जो पदाधिकारी यहाँ आए, बाकी मुरादाबाद मेरा घर है, मुरादाबाद के लोग मेरे अपने हैं। धन्यवाद।